नमस्कार दोस्तों, मच्छर नेवी लाइफ में आपका फिर से स्वागत है। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं यार कि हम जीपी रेटिंग करके C1D क्लास वीज़ा पा सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल पा सकते हो यार, जीपी रेटिंग करके आप C1D क्लास वीज़ा पा सकते हो। USA के लिए जो वीज़ा होता है वो आप बिल्कुल पा सकते हो। जीपी रेटिंग वाले को एक प्रोसीजर होता है, अगर आप पहला 2 सेल मारने के बाद कोई अच्छी कंपनी ITF में जा रहे हो तो उसके बाद आपको कोई भी बड़ी कंपनी US वीज़ा निकाल के दे देती है। वो ज़्यादा वो नहीं होता है कि बहुत ही टफ़ चीज़ है कि आपको नहीं मिलेगा। बहुत आसान है US वीज़ा निकालना, बहुत ही आसान है। मतलब कुछ नहीं होता है US वीज़ा में। US वीज़ा में आप पहले दिन जाओगे, एम्बेसी जाओगे, पहले दिन आपका फिंगरप्रिंट होता है, आई होता है, और उसके बाद जब दूसरे दिन आप जाओगे तो US कंसल्टीज़ के पास जाओगे। US कंसल्टीज़ होते हैं, उनसे आपका इंटरव्यू होता है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो एक बंदा रहेगा आपको, एक US वाला आपसे इंटरव्यू लेगा। अगर आपको हिंदी में बात करना है तो आप उसको बोलो, वो उसका ट्रांसलेट करके US कंसल्टीज़ को बताता है कि आप ये बता रहे हो। तो वो नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है कि आप C1D क्लास वीज़ा क्यों चाहिए आपको, तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ हम शिप पे काम करते हैं, हमको ज़रूरत पड़ेगा हम उधर जाएंगे। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं, आपका नाम पूछेगा, बैकग्राउंड पूछेगा, किस क्लास फैमिली बिलोंग करते हो, नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं। और एक आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है कि आप शिप पे क्या करने जा रहे हो, तो बोल दो जॉब करने जा रहे हैं। तो यही नॉर्मल तीन चार क्वेश्चन रहते हैं UN जब आप वीज़ा के लिए जाओगे, तो इतने ही क्वेश्चन पूछते हैं। और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती हो तो आप उससे बात कर सकते हो, एक और बंदा रहेगा अपने इंडिया वाला ही रहता है, तो वो आप वो ट्रांसलेट करके उसको बता देता है। तो आप नॉर्मल, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप फेस टू फेस उससे बात कर सकते हो। एक शीशा लगा रहता है वहाँ पे, इस साइड आप इस साइड खड़े रहोगे, वो उस साइड रहता है अंदर, और वो माइक से पूछेगा, और बाहर एक स्पीकर रहता है छोटा सा, तो उसमें आवाज़ आएगी। अगर आपको हिंदी में बताना है तो आप हिंदी में बोल दो उसको, तो वो उसको समझ आ जाएगा, वो ट्रांसलेट करके उसको बता देता है। तो नॉर्मल है, हम लोग जीपी वाले बंदे जा सकते हैं, बिल्कुल आपको US वीज़ा मिल जाएगा, कोई ज़्यादा वो नहीं होता टफ इसका। बस एक मंथ इसका लगता है, पहले आप फॉर्म भरोगे इसका US वीज़ा का। जो भी कंपनी आपको निकलवा रही है तो आपको एक फॉर्म भरवाती है वो, उसके बाद जाके आपका एक दिन फिंगरप्रिंट होगा और एक दिन आपका इंटरव्यू होगा, और तीसरे दिन आपको US वीज़ा, आपका पासपोर्ट वहीं पे जमा हो जाएगा US कंसल्टीज़ के पास, जहाँ पे आप इंटरव्यू दोगे वहाँ पे आपका पासपोर्ट रख लेंगे और वहाँ पे आपका वीज़ा लगा के दे देंगे। C1D क्लास वीज़ा रहता है, वो 5 साल का वैलिड रहेगा। जब भी आप कभी जाओगे तो वहाँ पे वीज़ा लगा रहेगा आपका, एक फ़ोटो रहती है, आपका नाम लिखा रहता है, और वहाँ पे C1D वीज़ा लिखा रहता है, यूनाइटेड स्टेट लिखा रहता है बड़ा सा। तो नॉर्मल है यार, जीपी वाले आराम से मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जीपी रेटिंग वाले जा सकते हैं USA। वो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि जीपी वाले जा सकते हैं, तो बिल्कुल जा सकते हैं यार, आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं। 1-2 सेल अगर स्टार्टिंग में आप कोई भी कंपनी में कर लो, तो कोई भी ITF बड़ी कंपनी में जाओगे तो आपको US वीज़ा निकलवा के देती है, और आपको आराम से US वीज़ा मिल जाएगा। उसका कोई वो नहीं है, ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं होता कि US वीज़ा निकालना मुश्किल होता, बहुत आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। जैसे आप GP के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो कभी कॉलेज में, उससे भी आसान होता है आपको US वीज़ा निकालना। बस आराम से अपना जाके वहाँ पे जो भी इंटरव्यू आराम से करो, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सो इतना ही बताना था, जिसका भी क्वेश्चन था मैंने बता दिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।